वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 नवंबर 2020 और 1 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है ये राष्ट्रीय एकता दिवस, और 31 अक्टूबर को होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, इसीलिए 31 अक्टूबर को यह राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई गई है और इस जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन भी किया है, और नर्मदा नदी के तट पर जो केवड़िया है वहीं पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। अच्छा, ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है, यह भी आपको याद रखना है। अच्छा, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की बात है तो इंदिरा गांधी का जो जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस, तो जो राष्ट्रीय एकीकरण दिवस है वो इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 19 नवंबर को, और यह है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, 31 अक्टूबर को ही वर्ल्ड सिटीज डे भी मनाया जाता है, वैश्विक शहरीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर वर्ल्ड सिटीज डे, ये क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शहरीकरण में रुचि बढ़ाने के लिए और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को ये वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है। तो ये दो इंपोर्टेंट डे 31 अक्टूबर को होते हैं। अब आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास, इसमें इंडिया, अमेरिका और जापान पार्टिसिपेट करते थे लेकिन इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है, तो इसका पहला चरण अभी विशाखापट्टनम पर आयोजित किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और विशाखापट्टनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ये 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक चलेगा और जो दूसरा चरण होगा वो 17 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा, वो अरब सागर में होगा। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार ये है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है। पहले इसमें 3 देश की नौसेनाएं पार्टिसिपेट करती थी, भारत, अमेरिका और जापान, लेकिन इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो अभी मेरी सहेली नामक पहल शुरू की है रेलवे सुरक्षा बलों ने, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वैसे ये जो मेरी सहेली पहल है इसको दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया था अभी कुछ मंथ पहले, तब मैंने आपको बताया था, लेकिन अब पूरे के पूरे रेलवे ने, जितने भी रेलवे के जोन है हर जोन में मेरी सहेली पहल शुरू कर दी है आरपीएफ ने, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रंजना कला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रंजना कला, इनको अभी उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आईएफएस अधिकारी रंजना कला और इन्हीं को उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया। अब उत्तराखंड की अपॉइंट की गई है तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्या। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है। अच्छा, उत्तराखंड में एक कोरोना वायरस के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ था दृष्टि,
ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च हुआ। होप की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइक इन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया है। अच्छा, उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई है। स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। अच्छा, उत्तराखंड में गोल्डन वर्ल्ड विंग नाम की अब तक की सबसे बड़ी तितली खोजी गई थी। उत्तराखंड में ई ग्रंथालय की शुरुआत की गई, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ई ग्रंथालय। उत्तराखंड में हरेला पर्व भी मनाया जाता है। और एक और त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में, बहुत फेमस है, फूल देई त्योहार, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की है? तो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले दिल्ली और गुजरात नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन अब तेलंगाना ने कर दी है। इसमें क्या है, जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आप पर कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा और कोई भी रोड टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पूरे के पूरे 100% छूट दी जा रही है। ये है नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति। दिल्ली और गुजरात के बाद अब तेलंगाना ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। अब तेलंगाना ने की, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, यानी कि पाक कला का शहर। इसे यूनेस्को ने घोषित किया था। अच्छा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। और के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए धरणी नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया है। तेलंगाना की गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व भी है, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क है। और तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना में अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए शायब हर अभियान भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो अभी तिब्बत में चीन दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो डाटा सेंटर है ये नेपाल के भी काम आएगा, बांग्लादेश के भी काम आएगा, इवन पाकिस्तान के भी काम आएगा। और इसको चीन बना रहा है, और कहां पे बना रहा है, तिब्बत में बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी केरल ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोविड उपचार क्लिनिक, ये उन लोगों के लिए है जो कोरोना वायरस से पीड़ित रह चुके हैं लेकिन ठीक हो गए हैं। ठीक होने के बाद अगर इनको और कोई बीमारियां हो रही हैं तो उनके लिए ये कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे केरल में। अब केरल की बात है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकुट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बडम 16 नेशनल पार्क है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। अभी केरल में के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। और केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू हुआ है। अच्छा, केरल की बात है तो केरल का राजकीय पशु क्या है, हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन तीन राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी एडले शुमिरवाला को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है एडले शुमिरवाला और इन्हीं को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क कहां बनेगा? तो अभी पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो बेस्ट टायर होते हैं, जो कबाड़ होता है, उन सब का यूज करके कुछ क्रिएटिव चीजें बनाई जाएंगी और भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनेगा। अब पश्चिम बंगाल में बनेगा तो यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में अभी संधाने ऐप लॉन्च हुआ था। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है।
पश्चिम बंगाल में जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेष्टा योजना, ये दोनों योजनाएं पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIFFB 2020 में किसे मरुप्रांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी ओमपुरी को IIFFB 2020 में मरुप्रांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म लिखा है IIFFB यानी कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, इसमें अभी ओमपुरी को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड ओमपुरी की वाइफ नंदिता पुरी ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु में टाटा ग्रुप ने 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु में की, तो यह है मैप तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पाडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में अभी एक हल्दे अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की भी एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु इसमें टॉप पर पहुंच गया है। और तमिलनाडु में अभी युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की स्थापना भी हुई है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो अभी केरल को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। एक पब्लिक अफेयर्स सेंटर है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा शासन केरल में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया केरल और सबसे खराब कंडीशन का शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में सबसे नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने पहली साइंटिफिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने IOCL के साथ डिजिटल सेवाओं के लिए सहयोग किया है? तो अभी IBM ने IOCL के साथ डिजिटल सेवाओं के लिए सहयोग किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 1,000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अभी क्रिक्स गेल T20 क्रिकेट में 1,000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बार के IPL में क्रिस गेल ने अपना 1,000वां छक्का लगाया है और इसी के साथ T20 क्रिकेट में 1,000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए क्रिस गेल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है, हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर IndreshRC IndreshRC इंस्टाग्राम पर IndreshRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज किस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज किस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।